हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे तो मॉडर्न मैथमेटिक्स क्लास सिक्स ए बुक पेज नंबर 25 एक्सरसाइज 6। पहला प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले बदमाश रूल ऐसे मैंने ऐसे पता होना चाहिए। तो बदमाश रूल ये होता है, बदमाश रूल, बदमाश रूल पहले ऐसे मैंने ऐसे जानना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए बदमाश रूल का ये मैंने ये होता है, भी का मतलब भिन्न कुलम, और इसका बोलता है बार के, या बार का ए साइन है। ए बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स थ्री टाइप्स, ब्रैकेट्स आर थ्री टाइप्स। नंबर वन टाइप्स फर्स्ट ब्रैकेट, नंबर टू टाइप्स सेकेंड ब्रैकेट, नंबर थ्री थर्ड ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट है, ए होगा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम का अंदर होता है ये ऑफ। तो अच्छा, पहले भी का काम करना होगा, उसके बाद बी का काम करना होगा, उसके बाद ओ का ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद डी फॉर डिवीशन। डिवीजन का साइन होता है ए होता है, डिवीजन का साइन, ओके। उसका बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। उसका बाद होता है ए फॉर एडिशन, एडिशन। उसका बाद होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होगा ये बदमाश रूल। तो पहले कोई भी सिंप्लीफाई करने के लिए पहले भी का काम करना होगा, उसके बाद बी का काम करना होगा, उसके बाद ओ के काम करना होगा, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। ये होगा टोटल सिस्टम होगा बदमाश रूल। तो ये सिंप्लीफाई इजी है, तुम देख सकता है ये 2/3। पहले ओ का काम करना होगा, तो यहाँ पर 2/3 होगा ऑफ 4/5 ऑफ ए फ्रैक्शन। ऐसे लिखना है 4 × 4 समान इक्वल्स टू 16 + 3 = 19/4, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखना है 7/8 ऑफ 9/10। ये 4/4 कट जाएगा। उसके बाद ये मैंने न्यूमरेटर और यदि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, नहीं कट सकता, तो इसका ऐसे लिखना चाहिए 2 × 19 डिवाइडेड बाई 3 × 5। डिविशन ये नहीं काट सकता है, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है ऐसा लिखना चाहिए। इसके बाद यह होता है 2 × 19 डिवाइडेड बाई 3 × 5 इंटू ए 8 × 10 ऊपर में जाएगा, हेंस न्यूमरेटर में जाएगा 8 × 10 डिवाइडेड बाई 7 × 9 ऐसे। तो इसका बात ऐसे लिखना चाहिए। तो ए काट जाएगा 5 × 10 ऐसे 10 × 5/2 डिविशन के बाद ये ऐसे क्वेश्चन 2 होता है। उसका बाद
उसके बाद कोई नंबर यहाँ पर न्यूमिनेटर और ऐसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं कट सकता, तो इसके बाद ऐसे लिखना है ये 2 × 19 × 8 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 7 × 9 ठीक है इक्वल्स टू ऐसे तो ये प्रोडक्ट करना होगा, तो ऐसे होता है ये 38 into 16 डिवाइडेड बाई 21 × 9 इक्वल्स टू 38 इक्वल टू 16 प्रोडक्ट करने के बाद ये होता है 38 16 मल्टीप्लाई 6 8 × 6 48 8 4 3 × 6 18 18 प्लस 4 22 इंटू 38 ये एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा 8 10 6 6 0 8 ये ऐसा होता है 6 0 8 तो डिनोमिनेटर में ऐसे होता है ए नंबर होता है 9 189 ठीक है। इसके बाद ये 6 0 8 को 189 बाय 189 ऐसे डिवीजन कर सकता है। उसके बाद तीनों तीन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ये 1 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा तो इक्वल्स टू होगा 341 by 189 ये होगा आंसर ठीक है। तो पहले बदमाश रूल वैसे पता होना चाहिए, उसका बाद ये डिवीजन का आगे में ये आपका काम करना होगा, उसका बाद ये सही तरीके से करना होगा ये जो सिंप्लीफाई ठीक है। उसका बाद देखो आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 का प्रॉब्लम ये है जो सिंप्लीफाई 3 4 by 7 ऑफ 2 2 by 5 × 7 by 6 डिवीजन 7 by 8 ऑफ 9 by 10 बाय द बदमाश रूल वी गेट इसका ए फ्रैक्शन ऐसे होता है 21 + 4 = 25 25 by 7 होता है 3 × 7 21 + 4 = 25 by 7 ऑफ ए फ्रैक्शन ऐसे लिखना 5 × 2 10 10 + 2 12 by 5 × 7 by 6 डिविशन ये तो नहीं कर सकता, तो ये आपका काम पहले करना होगा जो बाय द बदमाश रूल 7 × 9 by 8 × 10 उसका बाद ये होता है इज इक्वल टू 5 5 काट जाएगा तो ऐसे लिखना है दो 5 × 12 5 × 12 डिवाइडेड बाय 7 × 7 by 6 यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इनटू है ये ऑफ है तो आपका काम पहले करना होगा उसका बाद डिवीजन का काम उसका बाद इनटू का काम ठीक है। ये प्रोडक्ट का काज माने ये डिवीजन का काम करने के बाद करना होगा तो 7 by 6 होगा ये इनटू हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये
8 × 10 न्यूमरेटर में जाएगा, 7 × 9 होगा, उल्टा जाएगा। इसके बाद ये होता है 7 7 काट जाएगा, 6 2, और यहाँ पर तो नहीं और कोई नंबर नहीं काट सकता, तो न्यूमरेटर में होगा 5 × 2 × 8 × 10, डिनोमिनेटर में होगा 7 × 9। ठीक है, 7 × 9, तो ऐसे इंटू करना होगा 5 × 10 × 80 डिवाइडेड बाई 63 इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 63। सो 800 को बाई 63 डिविजन करना होगा, तो कितना बार जाएगा, 1 बार, 63 7 1 170। ठीक है, इसका बाद कितना बार जाएगा, 170। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, 3 × 2 = 6, 126, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 + 1 = 3, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऐसा आएगा जी 12 44/63, ऐसे लिखना है, ये होगा आंसर। ये चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसका बाद जो उसका पास में जो अच्छे मैंने ऑल नोटिफिकेशन है उसका ऑन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो क्योंकि इसका बाद जो वीडियो अपलोड करेगा मैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग का फ़ोन में जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन मैंने करना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये होगा सिंप्लीफाई का नंबर 2 प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके बाद वीडियो नंबर 2 में सिंप्लीफाई नंबर 3, ठीक है, 3 होगा। ओके, बाय।